नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल घंटी की भी दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, जो जो JPSC झारखंड SSC की यदि तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच उत्पाद सिपाही और दरोगा CGL, वो लोग हमारे YouTube चैनल से जल्द जुड़ जाए जिससे मैं आपको अच्छी सी GK का प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो आज जो मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पहला जो सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक, स्वामी विवेकानंद की हाल ही में देश की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक का रांची, जो झारखंड के शिमला के नाम से भी जाना जाता है, रांची। ये प्रश्न भी आप याद कर लीजिए दोस्तों, रांची जो शिमला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में रांची झारखंड में किस महापुरुष की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्वामी विवेकानंद। ये सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीन, स्वामी विवेकानंद की रांची में बनी देश की सबसे ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 33 फीट। इसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण रांची में किया गया, उसका वजन कितना है? यह सवाल भी पूछ सकता है JSSC में। 9.8 टन, इसका जो राइट आंसर होगा 9.8 टन। क्वेश्चन नंबर पाँच दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण रांची के किस स्थान पर किया गया? यह सवाल भी पूछा जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब के पास। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब के पास, जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, इससे भी एक प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर छः दोस्तों, हाल ही में किस तालाब का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सरोवर किया गया है? बड़ा तालाब या रांची झील? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 6 का, बड़ा तालाब या रांची झील, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, रांची में बने देश की सबसे बड़ी मूर्ति स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? ये सवाल जो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, रामवी सुतार। 8 का राइट आंसर रामवी सुतार, इसको नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नौ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे बनी पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? 14 फीट। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया? हाँ, ये सवाल आ सकता है दोस्तों, जो झारखंड के CM किए हैं अनावरण, रघुवर दास, जो पूर्वी सिंहभूम से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किस अवसर पर किया गया? जी हाँ, ये सवाल भी आप देखिए, बहुत ही VVI है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किस अवसर पर किया गया, ये सवाल JSSC में पूछा जा सकता है। अभी जो आगामी परीक्षा है, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, दरोगा, जो आने वाली वैकेंसी है CGL, उसमें पूछा जा सकता है। 2011 का जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप नोट्स कर लीजिए दोस्तों, 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, अभी आपको मैं बताया दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 240 एकड़ भूमि पर ढालभूमगढ़ हवाई अड्डा का निर्माण होना है, इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो इसको मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, 100 करोड़। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के कुल कितने लोगों को राष्ट्रीय पदक पुरस्कार मिलेगा? हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के कुल कितने लोगों को राष्ट्रीय पदक पुरस्कार मिलेगा? 6, इसका जो राइट आंसर होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड
ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? आर के आनंद जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आर के आनंद, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड ओलंपिक संघ के तत्वाधान में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले स्टेट गेम्स झारखंड ओलंपिक संघ के तत्वाधान में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले स्टेट गेम का लोगो और मेस्कॉट क्या है? लोगो क्या है जी दोस्तों? ये सवाल आप जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुच्चू, इसका जो राइट आंसर होगा बुच्चू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनपीस इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट में किस देश से देश का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कहा गया है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झरिया, इसका जो राइट आंसर होगा झरिया, जो धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कुंभ के लिए कुल कितने लोग कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुए? लगभग 800 लोग। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 से 3 फरवरी 3 दिवसीय ट्राइबल यूथ फेस्टिवल रिलेशन घूमकुरिया का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, घूमकुरिया। इसका जो राइट आंसर होगा हरमू मैदान रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बजट में इस बार किस का प्रावधान किया गया है? बाल बजट, इसको ऐड किया गया है, इसको आप नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? आरती कुजू। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हाल ही में किस के संरक्षण के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ किया? बाल संरक्षण आयोग, राइट आंसर बाल संरक्षण आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का ओएसडी बनाया गया? अभी जो राज्यपाल है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू, उसका ओएसडी किसको बनाया गया? इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर शंभू नारायण मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनासी जलाशय पुनासी परियोजना कहाँ है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों देवघर, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, देवघर पुनासी जलाशय। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।